लोग सब आ गए हो? हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितने जानवरों की कहानियाँ हैं? आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना, तो फिर सुनो। एक घना वन था। वह वन बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ था और उस वन के आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वन के कमजोर जीव जंतुओं पर शक्तिशाली जीवों की बहुत ही अत्याचार थी, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता था। ऐसा ही कहानी है इस वन में। एक पेड़ के नीचे एक हाथी और एक बाघ आराम कर रहे थे और पेड़ के ऊपर एक कौवा और पेड़ के पीछे एक खरगोश था। पतुराज, आज हवा बह रही है, यही ना? पतुराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता का कोई विशेष कारण है क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ। क्या चिंता है आपका? तभी से मैं देख रहा हूँ तुम अपने दोनों कानों को पंखा जैसे हिला रहे हो। तभी तो सोच रहा हूँ भर दोपहर खाने के बाद पेड़ की ठंडी छाँव में बैठ कर आराम करोगे। तुम तो अपने कानों का कसरत दिखा रहे हो। सोचता हूँ क्या बात है। सामान्य, अति सामान्य बात है। आप तुन करके तो हंसते ही रह जाएंगे। अरे भाई, क्या बात है बताओ। नहीं नहीं, ऐसी बात पशुराज को बताना अच्छा नहीं लगता। तुम लेकिन वनराज की बात को नहीं सुनते। कुछ मत सोचिएगा, इसका एक कारण है मक्खियों का आना। मक्खी? क्या बोल रहे हो? मक्खी? जी महाराज। अरे खुले मन से बताओ। महाराज, आज से 3 बरस पहले एक बार मेरे तान में मक्खी घुस गई। भगवान तरे ऐसा दंड किसी दुश्मन को भी ना मिले। हुदूर, क्या बोलूं, उत्तम है मेरी अवस्था, पागल जैसे हो गई। अतः कान और सिर के दर्द से मैं मरा जा रहा था। कुछ के बाद मक्खी मर गई और मेरे प्राण बच गए। ये बात है? हाँ महाराज, तभी से बैठे रहने के बाद भी मैं अपने तानों तो हिलाता हूँ ताकि मक्खी और मच्छर कान में न घुसे। क्या बोलते हो, इतना बड़ा हाथी छोटी सी मक्खी के चलते कान हिलाते फिरता है? अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो? तुम्हारे तो तान नहीं है, तुम क्या समझोगे? बाघ बिना किसी से कुछ बोले निकल पड़ता है घने वन की तरफ और खरगोश झाड़ियों से बाहर निकलकर खुले में आ जाता है। जानते हो, बड़े बड़े जानवर कभी कभी छोटे छोटे जानवर से डरते हैं, जानते हो? खरगोश भाई, देखो हम दो बात पशुराज को बताए हैं, उन बातों को तुम लोग किसी को न बताना। ये तो हम लोगों के पशुराज हैं, किसी से डरते हैं क्या? ठग खोजते ही पूरा गांव उजाड़। इसका मतलब? क्या मतलब? पशुराज होने से क्या है, पशुराज को भी मच्छर मक्खियों का डर रहता है। सच में? तो किसको, किससे डरता है शेर? मुर्गे से जी। उप थुलतर बोलो ना। एक वर्ष पहले की बात है, हेमंत काल की सुबह में सूर्य अपना प्रकाश बिखेरना शुरू किया था। नींद से जगकर जम्हाई लेना शुरू किया था। एक पेड़ के नीचे एक हिरण और उससे कुछ ही दूर पर पेड़ की आड़ में वनराज सिंह एकाग्रचित होकर हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी थी। पशुराज पूरी तैयारी करके हिरण पर आक्रमण करना चाहते थे।
ठीक उसी समय मेरे घर के पास पेड़ के नीचे झाड़ी से एक मुर्गा कुकड़ों को आवाज लगाया। आवाज सुनकर हिरण जंगल में भाग गया और वनराज महाशय का शिकार बहक गया। गुस्सा से वनराज आग बबूला हो गए। उसके बाद से ही वनराज मुर्गे की आवाज से डरते हैं। उसके जोर की आवाज से ही तो वनराज का शिकार बहक गया। अब मैं तमत गया, इसीलिए वनराज मक्की की बात सुनकर डर कर भग गए। शेर शिकारी होके भी एक मुर्गे से डरता है। तभी से वनराज चारों ओर शिकार करने के पहले देख लेते हैं कहीं मुर्गे तो नहीं है। हा, 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 हा।